हाय फ्रेंड, चलिए आज हम ये टेबल कवर बनाने को दिखाएंगे आपको। देखिए ये डिजाइन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। हमने ये वाइट और रेड कलर में बनाया हुआ है, टिक्की बना के ज्वाइंट किए हैं हम, फाइव टिक्की इधर से, फाइव टिक्की इधर से, ऐसे करके फाइव टिक्की का स्क्वायर हम टेबल कवर बनाए हैं। ये तो 25 टिक्की का हम बनाए हैं। आप लोग को जो भी साइज का चाहिए आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। आप इसे जो भी चीज़ चाहे बना सकते हैं, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर या तो ब्लैंकेट, जो भी पसंद हो आप लोग बना सकते हैं। तो डिजाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है, 4 प्लाई के उलन से हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा टोटल उलन 75 ग्राम उलन हमारा लगा है इसमें। तो डिजाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि हम और भी डिजाइन लेके आए तो आप लोग के पास मिले। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम। तो बनाने के लिए हम पहले उंगलियों पर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइम राउंड हम कर रहे हैं इस पर। अब इसमें से ऐसे निकाल लेंगे और ये क्रोशिया पे लेके हम इसमें पहले इसे बांध लेते हैं, फिर 1-2 चेन कर लेंगे और उसके बाद से हम डबल क्रोशिया इसमें बनाते हुए। तो एक चेन, एक ये 2 हुआ, 3 और एक कर लेंगे तो 4, 4 डबल क्रोशिया इसमें हो गया। फिर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 और एक बना लेंगे 4, 4 डबल क्रोशिया फिर हुआ। फिर एक चेन करेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक एक चेन करेंगे और 4-4 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राउंड में हमने 4-4 और एक एक चेन ऐसे बना लिया है, 4-4 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद से एक चेन करेंगे और फर्स्ट वाले में हम ऐसे लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और ये कट करके निकाल लेंगे। इसे बैक साइड ऐसे लगा लेते हैं। उसके बाद हम ये कलर लेंगे और एक एक चेन जहाँ किए हैं वहाँ पे हमें बनाना है तो ऐसे पहले बांध लेते हैं, फिर 1-2 चेन फंदे लेके डबल क्रोशिया इसमें बनाना है हमें। तो एक चेन वाला हुआ, एक ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डबल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे। देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर ये 4 छोड़ के यहाँ पर एक चेन किए हैं, यहाँ पर फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डबल क्रोशिया यहाँ भी बना लिए, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर एक चेन किए हैं 4 डबल क्रोशिया छोड़ के, तो यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर बना लेंगे। तो कंप्लीट करते हैं। तो हमने पूरे में 8-8 डबल क्रोशिया, 8-8 डबल क्रोशिया हम बना लिए हैं। और फिर पहले वाले में ऐसे लेंगे, इसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे और इसे बांध के कट कर लेंगे। अब इसके बाद से हम फिर रेड कलर लेंगे और ऐसे लेके, और ये जो बनाए हैं हम 8 डबल क्रोशिया उसमें मिडिल में हमें ऐसे बनाना है सिंगल क्रोशिया ऐसे लेके, फिर इसमें भी ऐसे लेके ऐसे 2 जगह हुआ और यहाँ पर भी ऐसे 3 जगह ऐसे बना लिए। फिर यहाँ पर हम पहले एक ऐसे बना लेंगे, फिर इसमें 1-2 चेन कर लेंगे, फिर सेम जगह पर ही एक और ऐसे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया और उसके बगल में फिर 1, फिर यहाँ भी 1 और फिर यहाँ पर 1 बना लेंगे ऐसे। देखिए
अब उसके बाद से फिर यहाँ पर एक से दूसरे जाने के बीच है, यहाँ पर हम टू टाइम ऐसे बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया टू सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल, यानी थ्री सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाने के बाद से ये चौथे वाले पे हमें ऐसे यहाँ पर टू सिंगल क्रोशिया बनाना है, लेकिन मिडिल में टू चेन करना है। ऐसे टू चेन करके फिर यहाँ पर एक और बना लेंगे, फिर उसके बाद से ऐसे ही एक दो तीन, ये पूरे पर ऐसे हो गया। फिर एक से दूसरे जाने के बीच में यहाँ पर एक और एक और बना लेंगे दो, देखिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे एक और एक एक ऐसे बनाते हुए ऐसे बनाएंगे। तो देखिए हमने ये बना लिया है पूरा पूरा, और पहले में लाके हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ से इसे ज्वाइंट करेंगे हम, तो देखिए ये, अब इस पे पहले हम ऐसे एक दो तीन जगह हो गया। अब यहाँ पर मिडिल में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन करेंगे, एक चेन करके, और ये जो चेन वाला है यहाँ पर ज्वाइंट करना है हमें, जहाँ मिडिल में जैसे यहाँ पर एक बनाए एक चेन की है, वैसे दो चेन की है, उसमें ज्वाइंट करना है इसमें। तो ऐसे लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर एक चेन कर लेंगे, और फिर सेम यही चीज़ें इसमें भी बनाना है हमें। और यहाँ से फिर ऐसे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे ऐसे, देखिए। अब फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के हम मिडिल में ऐसे जो दो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसे लेके हम इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीन, और यहाँ पर चौथा जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन करके, और यहाँ मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे फिर से, देखिए यहाँ पे इस साइड के जो मिडिल में है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहले ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, और उसके बाद से फिर चेन करके फिर यहाँ पर हम एक और सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे, देखिए। अब उसके बाद से फिर से एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, और फिर तीन हो गया यहाँ पर, और उसके बाद से ये एक से दूसरे जाने के बीच में जो जगह है यहाँ पर एक और एक ऐसे दो हो गया, और यहाँ पहला जो बनाए हैं इसे ऐसे लेंगे और इसी में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए ऐसे ज्वाइंट करके ये कट करके निकाल लेते हैं, देखिए ऐसे ज्वाइंट किए, ऐसे बैक साइड ऐसे लगा लेंगे हम, देखिए। तो फिर सेम ऐसे ही बनते जाएगा, ज्वाइंट होगा, फिर बनाएंगे और इसमें ज्वाइंट करेंगे और मिडिल में भी ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे ही अपने हिसाब से अपना ऐसे लंबाई में बना लेते हैं, तो हम और बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने लाइन से 5 ज्वाइंट किया है, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहें आप अपनी लंबाई में ज्वाइंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब इस साइड ज्वाइंट करेंगे हम लोग, तो इधर ज्वाइंट करने के लिए देखिए हमने ऐसे बना लिया है, और यहाँ मिडिल मिला के एक बना लिए हैं, फिर एक चेन करेंगे, और पहले यहाँ ज्वाइंट करेंगे, फिर यहाँ, फिर ऐसे ज्वाइंट होगा। तो पहला यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक चेन करेंगे, और फिर इसमें सेम जगह पे ही एक और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोशिया बना के, उसके बाद ये मिडिल में हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और फिर ये मिडिल में हम दो बनाए हैं जहाँ पे वहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे लेके और ये मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं यहाँ पर, और फिर सेम जगह पे एक और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इधर एक दो तीन जगह इस पे बना के, और चौथे जगह पे ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर एक चेन कर लेंगे, और ये दोनों ज्वाइंट है जहाँ पे, यहाँ पे ज्वाइंट करना है हमें। तो ऐसे लेके उल्टा साइड से हम ये मिडिल में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर एक चेन करके फिर सेम वही चीज़ें यहाँ पर बना लेंगे, एक जगह दो हो गया, और उसके बाद फिर एक, और फिर इसमें भी एक, फिर इसमें एक, और यहाँ एक से दूसरे जाने के बीच में दो, एक यहाँ और एक और यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक दो तीन जगह एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बनेगा, मिडिल में दो चेन बनेगा।
तो यहाँ तक बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम इस साइड जॉइंट करेंगे। अब इधर जॉइंट करने के लिए पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, पांच जॉइंट पड़ेगा। एक यहाँ पर, 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 यानी कि ये कोने कोने पर भी और मिडिल में। तो ये मिडिल दोनों साइड और ये पूरा। तो ऐसे करने के लिए देखिए एक चेन कर ली हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो इसे लेके और यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर ले रहे हैं। फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम ये चीज़ें हमें रिपीट करना है। फिर यहाँ पर ऐसे एक, दो, तीन, और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बना के और इसमें मिडिल में हम जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे लेके हम मिडिल में ऐसे जॉइंट कर ले रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे फिर जॉइंट कर लेंगे, एक बना लेंगे सिंगल क्रोशे। फिर इधर एक, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर चौथे वाले जगह पे ऐसे एक सिंगल क्रोशे बना के एक चेन करेंगे, और मिडिल में ये तीनों जॉइंट है वहाँ पे जॉइंट करना है हमें। तो ऐसे लेके और बैक साइड से ऐसे लेके हम इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम जगह पे ही एक और सिंगल क्रोशे ऐसे बना लेंगे, और उसके बाद से फिर से एक, दो, तीन, और फिर यहाँ पर एक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे मिडिल में जॉइंट पड़ेगा। तो ऐसे लेके हम ऐसे मिडिल में यहाँ पे जॉइंट कर ले रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर सेम ही, और उसके बाद फिर तीन जगह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन करेंगे चौथे जगह पर, और ऐसे फिर यहाँ ये दोनों जॉइंट है इसमें जॉइंट करना है हमें। तो ऐसे लेंगे और यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर सेम यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे, और फिर इधर एक, दो, तीन, फिर यहाँ पर दो ऐसे एक पास, और फिर इधर एक एक बनाते हुए। तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो इधर बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये भी कंप्लीट कर लिए हम बना के। अब ऐसे ही इधर भी टिक्की सेम जॉइंट होगा, यहाँ जॉइंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे ही जॉइंट होगा। फिर इधर भी पांच जगह तो ऐसे ही जॉइंट होगा। तो पूरा ऐसे जॉइंट कर लेंगे इधर, और उसके बाद फिर इधर जॉइंट करेंगे तो सेम यहाँ पर एक, दो, तीन ऐसे बना के फिर ऐसे जॉइंट होगा। तो अपने हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए, जितना चौड़ा चाहिए आप लोग बना सकते हैं। तो हम और अपना बना लेते हैं, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये पूरा बना लिया है। हम पूरा 5-5 टिक्की बना के स्क्वायर में बनाए हैं, 5 इधर से, 5 इधर से, पूरा 25 टिक्की का हम बनाए हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो चीज़ के लिए चाहे उतना लंबाई चौड़ाई में आप लोग बना सकते हैं। तो अब इसके आगे हम, अब इसमें हम साइड से झालर लगाएंगे। तो आप लोग चाहें तो एक दो स्टिच्स बना के चेन स्टिच उसके बाद बना सकते हैं। हम यहाँ पर बस एक ही बार में हम इसमें पफ स्टिच करते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। तो ऐसे गाँठे लगा के एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे 5 चेन किए हैं। ढाई को खींचेंगे हम और इसी में पफ बना लेंगे ऐसे कि दो, तीन, चार। फिर इसके नीचे से ऐसे ढाई को निकालेंगे, ये बांधेंगे, और इस चेन को इसके ऊपर चढ़ा के हम ऐसे पफ बना लेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चेन, और ये मिडिल में है जो मिडिल में ऐसे जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चेन। फिर सेम चीज़ें बनाएंगे हम ऐसे, दो, तीन, चार, 4 टाइम, फिर ढाई को खींच के फिर इसके नीचे से हम ऐसे ढाई को निकाल के बांध लेंगे, और फिर इसके ऊपर चढ़ा के पफ बना लेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर 5 चेन, और फिर यहाँ पर मिडिल में फिर 5 चेन करेंगे, फिर यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ। तो ऐसे करते हुए पूरा राउंड हम ऐसे बना के कंप्लीट करेंगे। तो हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने चारों तरफ से ये बना कंप्लीट किया है। ये डिजाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिजाइन लेके आएँ तो आप लोगों के पास मिले।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।